ताकि कोई भी update, आप ना कर पाए नई सी एम एक्ट ऑफिसियल वेबसाइट पाना स्टूडेंट का एक सेक्शन दिखेगा यहाँ पे क्लिक करना उसके बाद एग्जामिनेशन का सेक्शन दिखेगा एग्जामिनेशन के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करेंगे यहाँ पे अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भी फिलअप करते हो अपना चाहे सी एम इंटरमीडिएट का हो या फिर फाइनल का ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय जब आप इंटरमीडिएट या फिर फाइनल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप एक बात देखोगे पॉइंट नंबर थ्री पे द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म इज टेंथ अक्टूबर ये विथ लेट फीस की बात की जा रही है और से देख सकते विथ लेट फी ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड इज सेवेंटी ट्वेंटी फोर थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक बात को फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनिए एग्जाम फॉर्म की डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया आपके कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म एक्सटेंड हो गया हाँ आपने भी थमने देखा होगा बट अगेन बोरा हूँ एग्जाम फॉर्म एक्सटेंड नहीं हुआ है कुछ डे कुछ ग्रेस डे दिया गया है आपको जो कि दस तारीख से लेकर सत्रह तारीख तक का शेड्यूल है इसमें बट कुछ पेनल्टीज है फाइव हंड्रेड रुपीज इसे एडिशनल चार्जेस आपको पे करना होगा फॉर एग्जाम फॉर एग्जाम्पल अगर हम सी एम ए इंटरमीडिएट का ही बात करें एग्जाम फॉर्म की फी अगर फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ है और अब आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलोगे फिलअप करोगे तो प्लस फाइव हंड्रेड रुपीज एड करके एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे मतलब दो हज़ार हो जाएगा ग्रुप वन का तो मे भी अपडेट समझा कहीं भी कोई भी कोई कोई भी डाउट्स आए कमेंट सेक्शन आपके लिए है और अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन से प्रेस कर देना ताकि सीए में एग्जामिनेशन रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन आप पेश ना कर पाए थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ ग्रेट डे देख सकते हैं सीम ए फाइनल के लिए भी सेम शेड्यूल से आया है थैंक यू स्टूडेंट विच यू ऑल द बेस्ट